डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिसेस हिबातुर रऊफ, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स। आज हम पढ़ेंगे पेपर सी, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, और आज का टॉपिक है टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड द स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज विद इन विच अदर चार्जेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज़ डिनोटेड बाय ई। इसके बारे में हम डिटेल में सबसे पहले लेक्चर में, जो इस चैप्टर का सबसे पहला लेक्चर था, उसमें पढ़ चुके हैं। डाइपोल के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। देखिए, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। इलेक्ट्रिक मीन चार्ज, डाइपोल यानी दो पोल जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से बनेंगे। आपके सामने दो चार्जेस हैं, ऑपोजिट चार्जेस हैं, जिनको सेपरेट किया गया है डी डिस्टेंस से। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट्स ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड अ डिस्टेंस डी। तीसरी टर्म जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो है टॉर्क, जो हमने फाइंड करना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉर्क टर्निंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी होता है और इसको टाउ से डिनोट करते हैं, और ये आर क्रॉस एफ के इक्वल होता है। आर मोमेंट आर्म, एफ फोर्स, जो फोर्स टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, एंड आर एफ साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। अब हम देखते हैं कि टॉर्क को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले डाइपोल कंसिडर करेंगे कि कंसिडर टू पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज को रखा हुआ है, जो कि इन्हीं चार्जेस की वजह से भी प्रोड्यूस हो सकता है। और इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, डी। लाइन ज्वाइनिंग देम इज़ इंक्लाइंड। आप देख रहे हैं हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो दो चार्जेस रखे हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, इनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो लाइन इंक्लाइंड है, सीधी नहीं है, इंक्लाइंड है। ये इंक्लाइंड लाइन जो है, इसके साथ ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि लेफ्ट से राइट जा रही हैं, एंगल थीटा बना रही हैं। आप देख सकते हैं माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लग रही है वो माइनस एफ है, और सेंटर से इसका डिस्टेंस, सेंटर जहाँ ओ लिखा हुआ है वहाँ से इसका डिस्टेंस डी बाई टू है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस डी है। और प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लग रही है वो एफ है, वो पॉजिटिव फोर्स है, और सेंटर से प्लस क्यू चार्ज का डिस्टेंस भी डी बाई टू है। अगर हम डाइपोल मोमेंट यानी पी, जो कि प्रोडक्ट होता है डी और क्यू का, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, पी
और ई, इस डायग्राम को देखें, पी और ई, जिसके दरमियान एंगल बन रहा है थीटा, और ये सर्कल के अंदर आप देखिए क्रॉस का साइन है। क्रॉस का साइन ये शो कर रहा है कि जो टॉप की डायरेक्शन है वो इनटू द पेज है, और ये एरोज से भी शो किया हुआ है। आप ये एरोज देख रहे हैं, ये जो एरोज लगाए हुए हैं ये एरोज बता रहे हैं कि टॉप क्लॉकवाइज है, और ये डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय राइट हैंड रूल। सो हमारे पास जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि हमने चार्जेस को डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, अब हमारे पास फोर्स होगी जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी जो उस फील्ड और उन चार्जेस दोनों के दरमियान में अट्रैक्शन या रिपल्शन दोनों की वजह से हो सकती है। फोर्स की वैल्यू होगी एफ इजिकल टू क्यू ई फॉर पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के लिए होगी माइनस क्यू ई। दोनों फोर्सेस का सम ज़ीरो होगा, क्यों? क्योंकि दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो सम इनका ज़ीरो होगा। लेकिन जो टॉर्क है उसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो नहीं होगी। हम टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट टॉर्क टॉ वन जो कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से होगा वो एफ मल्टीप्लाई बाय डी बाई टू साइन थीटा, एफ क्रॉस डी बाई टू, क्रॉस नहीं होगा क्योंकि साइन थीटा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी बाई टू साइन थीटा कैसे निकाला है। एफ डी बाई टू, एफ क्रॉस डी बाई टू होगा क्योंकि टॉर्क का फार्मूला होता है एफ क्रॉस आर या आर क्रॉस एफ, तो यहाँ पे एफ क्रॉस डी बाई टू होगा, तो क्रॉस का साइन ख़त्म करेंगे तो एफ क्रॉस डी बाई टू यानी क्रॉस ख़त्म हो जाएगा एफ डी बाई टू साइन थीटा। इसी तरह टाओ टू जो है एफ डी बाई टू साइन थीटा जो कि माइनस क्यू चार्ज की वजह से होगा। टोटल टॉर्क किसके इक्वल होगा? टाओ वन प्लस टाओ टू के इक्वल होगा। दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारे पास रिजल्ट आएगा एफ डी साइन थीटा। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि एफ किसके इक्वल है? क्यू ई के। टाओ इज इक्वल टू क्यू ई डी साइन थीटा। इस इक्वेशन में क्यू डी डाइपोल के इक्वल है, डाइपोल मोमेंट के यानी पी के, पी इज इक्वल टू क्यू डी। टाओ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, क्योंकि टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गई, अब इसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क टाओ इज इनटू द पेज, जैसे मैंने पहले बताया, डिनोटेड बाय क्रॉस। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल डाइपोल रोटेट्स क्लॉकवाइज, देन टाओ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा क्रॉस एन यूनिट वैक्टर। टाओ इज इक्वल टू साइन थीटा है साथ एन यूनिट वेक्टर है, तो हम इसको टाओ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई लिख सकते हैं। अब जब इस टाओ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई को, इक्वेशन को हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा टाओ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, लेकिन साथ में नेगेटिव का साइन होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज टॉर्क टेकन एज नेगेटिव। ये था हमारा आज का पहला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल। पहले हमने कैलकुलेट किया टॉर्क, अब हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल। हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन होती है,
यानी कोई भी बॉडी पोजेस करेगी एनर्जी को, और वो उसकी पोजीशन की वजह से होगी। ये ओरिएंटेशन पे डिपेंड करती है, किसकी ओरिएंटेशन, यहाँ पे किसकी ओरिएंटेशन होगी, डाइपोल की। डाइपोल आपके सामने है, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज दोनों को डी डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको रखा है, क्योंकि हमने पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल फाइंड करनी है, और डाइपोल को कॉन्स्टिट्यूट करके बना के उसको ओरिएंट करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट है, फोर्सेस की डायरेक्शन आप देख सकते हैं, प्लस क्यू चार्ज की वजह से फोर्स राइट साइड पे है, माइनस क्यू चार्ज की वजह से फोर्स लेफ्ट साइड पे है। डायरेक्शन इसकी दिखाई हुई है क्लॉकवाइज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट है, और आप देख रहे हैं कि इसमें भी इंक्लाइंड शेप है, और एंगल आपके पास बन रहा है थीटा। एंगल किस किस के दरमियान में है, एंगल आपके पास जो इंक्लाइंड है उसमें और ई के दरमियान है। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन यानी पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इट हैज़ इट्स लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी इन इट्स इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन। जब ओरिएंटेशन इक्विलिब्रियम में होगी, बैलेंस्ड होगी, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे लोएस्ट में होगी। क्यों होगी? क्योंकि पी और ई दोनों, पी क्या है, डाइपोल मोमेंट, और ई पैरेलल होंगे। जब पी और ई पैरेलल होंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू लीस्ट आएगी। जब आपके पास पी और ई परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल 90 होगा, और कॉस 90 ज़ीरो के इक्वल होगा, और जो हम आगे कैलकुलेशन करेंगे उसमें हम देखेंगे रिजल्ट ज़ीरो होगा। मींस जब ओरिएंटेशन परपेंडिकुलर होगी तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज़ीरो होगी। पोटेंशियल एनर्जी टू बी ज़ीरो व्हेन द एंगल बिटवीन डाइपोल पी एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज़ 90। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट्स द डाइपोल। अब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इस डाइपोल को रोटेट कैसे करेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नल है, एक ये प्लस और माइनस क्यू चार्ज जो हमने डाइपोल बना के रखा है, इन दोनों चार्जेस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये दोनों फील्ड आपस में इंट्रैक्ट करेंगे, जब इंट्रैक्ट करेंगे तो उस इंट्रैक्शन में रिपल्शन होगी या अट्रैक्शन होगी, उस रिपल्सन या अट्रैक्शन की वजह से ये डाइपोल आपका रोटेट करेगा। यही रोटेशन पीछे जो हम टॉक पढ़ चुके हैं, इसी तरह से इसमें रोटेशन प्रोड्यूस होगी। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट डाइपोल फ्रॉम 90 डिग्री टू थीटा डिग्री। सो एस इज इक्वल टू आर थीटा, और डी एस इज इक्वल टू आर डी थीटा। वर्क किसकी इक्वल है, एफ डॉट डी एस, और आपके पास डी एस है आर डी थीटा, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। रोटेशन 90 डिग्री से थीटा तक है, और पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होती है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू, अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, एफ आर की जगह टाउ पुट कर देंगे, टाउ डी थीटा, और टॉर्क किसकी इक्वल है, पी ई साइन थीटा क्लॉकवाइज, ये वैल्यू पुट करेंगे, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 90 टू थीटा इंटीग्रेशन होगी, पी ई साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेट करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में इंटीग्रेशन के बाद आ जाएगा, लिमिट्स पुट करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, यू किसकी इक्वल आएगी, माइनस पी ई कॉस थीटा, और यू इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, और ये स्केलर प्रोडक्ट है। अब यहाँ से हम ये देखेंगे
इसी फार्मूला जो लास्ट में हमें निकाला है, इसी में हम देखेंगे कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, मैक्सिमम कब होगी और ज़ीरो कब होगी। ये एंगल पे डिपेंड करता है। जब एंगल ज़ीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, यानी एंगल किसके दरमियान ज़ीरो होगा, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एंगल 180 डिग्री होगा, मीन्स डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ़्ट टू राइट ही रहेगा। अब यहाँ डायरेक्शन चेंज होगी आपके पास डाइपोल मोमेंट की, क्योंकि वो रोटेशन में होगा। जब रोटेशन होगी तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, कभी वो परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, कभी वो पैरेलल हो जाएगा, कभी वो एंटी पैरेलल हो जाएगा। और जैसे जैसे उसकी रोटेशन चेंज होती जाएगी, एंगल चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू वेरी करती जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब एंटी पैरेलल होगा तो 180 डिग्री और 1 cos 180 -1, तो माइनस पी ई इंटू माइनस वन ये प्लस पी ई के इक्वल होगा और ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेट करेगा और एंगल 90 होगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी, और डाइपोल मोमेंट की वजह से हमारे, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल बिकम्स ज़ीरो। ये था हमारा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल। अभी इससे पहले जो हम अपना टॉपिक पढ़ के हटे हैं, टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसकी डायग्राम को मैं एक दफ़ा फिर यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हमारा जो पहले हम टॉपिक अभी पढ़ के हटे हैं, ये दोबारा से मैं इसकी एक डायग्राम को, दो तीन पॉइंट्स जो मिस हो गए थे वो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसमें टर्निंग इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है। ये इसकी डायग्राम है। आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लाइन्स से शो किया हुआ है, जो पैरेलल लाइन्स आपको नज़र आ रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके अंदर हमने डाइपोल को रखा है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को डी डिस्टेंस के फासले पे बना के कॉन्स्टिट्यूट करके इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया और इसके अंदर रख दिया। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये इंट्रैक्ट करेगा उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से जो जिसके अंदर आपने इसको रखा है। जब दोनों में इंट्रैक्शन होगी, उस इंट्रैक्शन की वजह से इसमें रोटेशन होगी। ये इंट्रैक्शन किस वजह से होगी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होगी। यानी ये फोर्सेज जो दो दिखाई हुई हैं, ये फोर्सेज रिपल्सिव भी हो सकती हैं और अट्रैक्टिव भी। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा तो पॉजिटिव चार्ज को वो रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की वजह से होगा तो ये नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। मींस के दोनों फील्ड जब इंट्रैक्ट करेंगे ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो फोर्स की वजह से ये जो डी बाई टू है, सेंटर में पी है, इस सेंटर से ऊपर हमारे पास जहाँ P लिखा हुआ है इलेक्ट्रो, जो कि डाइपोल मोमेंट को शो कर रहा है, सेंटर से ऊपर हमारे पास प्लस Q चार्ज का D बाई टू डिस्टेंस है, सेंटर से नीचे हमारे पास माइनस Q चार्ज D बाई टू डिस्टेंस है। ये D बाई टू मोमेंट आर्म का काम करेगा और F हमारे पास फोर्स है। फोर्स और मोमेंट आर्म का प्रोडक्ट कहलाता है टॉर्क, यानी क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास आएगा वो टॉर्क कहलाएगा। और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को खोलते हैं तो हमारे पास साइन थीटा आता है। इसी वजह से हम यहाँ पे जो इक्वेशन में यूज़ किया गया है आपके पास, जब हमने टॉर्क कैलकुलेट किया, टाउ वन इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय डी बाय टू साइन थीटा, जो कि आपके पास एक्चुअली टॉर्क की वैल्यू है। तो इस तरह से हम इसमें टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। ये हमारे पास इस तरीके से टर्निंग इफेक्ट इसमें प्रोड्यूस होता है, और फोर्सेस जो हैं इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए रिजल्टेंट ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन टॉर्क हमारे पास एडअप हो जाएगा, क्योंकि दोनों टॉर्क्स का, दोनों साइड्स पे दोनों चार्जेस की वजह से जो टॉर्क्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दोनों फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, क्लॉक वाइज है, दोनों ऐड हो जाएंगे और हमें रिजल्ट 2f(d) साइन थीटा की सूरत में मिलेगा, और रिजल्टेंट हमारे पास लास्ट में टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई आएगा। ठीक है।
थैंक यू।